नमस्कार ओन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों के खिलाफ बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलर्ट जारी है, तो वहीं रेल पुलिस को भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। छात्रों के बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टी ने भी समर्थन किया है। दरअसल आज बिहार में छात्रों का बंद का ऐलान है, जिसका कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इसी कड़ी में बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर नगर के रामची चौक पर महुआ विधानसभा से आरजेडी विधायक ने छात्रों के बिहार बंद का समर्थन किया। अपने समर्थकों के साथ आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सड़क पर प्रदर्शन कर रास्ता जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाजीपुर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर छपरा, हाजीपुर समस्तीपुर सहित अन्य मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं आरजेडी विधायक ने एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट में धांधली, छात्रों की गिरफ्तारी और उनके मुकदमे को लेकर विरोध में जाम किया। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नतीजों के खिलाफ बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में कई छात्र और युवा संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। बता दें आज कई आरजेडी नेता के प्रदर्शन के चलते जाम लग गया है और कई मुख्य मार्गों पर गाड़ियों के फंसे होने की खबर है। वहीं संगठनों ने केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से गठित समिति को भी धोखेबाजी करार दिया है। बीते 25 जनवरी को राज्य में छात्रों ने चरण एक की परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी के विरोध में 25 जनवरी को बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें एक बड़ी खबर ये भी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की मांग को मान लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की परीक्षा एक होगी। ये दावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने किया है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की दो की जगह एक ही परीक्षा होगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किया जाएगा। बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि बोर्ड की तरफ से ऐन वक्त पर नियम बदल दिए गए। परिणाम आने के बाद सिर्फ 5% छात्रों को ही नौकरी पर लिया गया। छात्रों के मुताबिक असल में ये आंकड़ा 20% होना चाहिए था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।